हेलो दोस्तों, मैं बालकृष्ण पाठक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। दोस्तों, भौतिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं और भौतिक विज्ञान में हम कुछ टॉपिक पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि हम गति का जो सेक्शन है वो कंप्लीट कर चुके। उसके बाद हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने द्रव गतिकी के बारे में पढ़ा जिसमें हम प्रेशर के बारे में पढ़ चुके थे, सरफेस टेंशन प्रस्तनाव पढ़ चुके, केशिकात्व कैपिलरिज्म को पढ़ चुके, हमने उत्प्लावन का जो फ्लूटेंस का जो पढ़ा था वो भी पढ़ लिया था नियम। उसके बाद आज हम जो मैं जो टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क एनर्जी पावर। दोस्तों, स्पेशली एएलपी सीबीटी-2 के सिलेबस में जुड़ा हुआ है, आरपीएफ और जो रेलवे की अदर एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी एग्ज़ाम्स वगैरह आदि में फेवरेट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे कंसेप्ट यहाँ से निकलते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन तैयार होते हैं। दोस्तों, कार्य ऊर्जा और शक्ति ये टॉपिक है, हम इनको पहले कार्य को पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा पढ़ेंगे और फिर शक्ति पढ़ेंगे, एक एक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं जो पढ़ने के लिए निकला वो है दोस्तों कार्य। कार्य कहते हैं दोस्तों, वर्क लिखते हैं सामान्य भाषा में। दिन में जाने कितने बार हमारे मुंह से एक चीज निकलती है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये कार्य करने जाना है, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, यह कार्य मेरी क्षमता के बाहर है, यह कार्य तो मैं आसानी से कर लूंगा। तो दोस्तों, जनरली कार्य से पता चलता है कि कार्य कोई बल लगाकर हम कुछ आउटपुट निकालने जा रहे हैं, किसी बल के द्वारा हम कोई आउटपुट यानी कोई रिजल्ट चाह रहे हैं। बल तो हमने लगाया, लेकिन उस बल के द्वारा हम एक सार्थक आउटपुट चाह रहे हैं, एक अच्छा आउटपुट चाह रहे हैं, तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वो कार्य है। अब कई बार क्या होता है कि जब हमें कोई टारगेट दिया जाता है बल लगाकर किसी चीज को करने का, तो जब हमें लगता है कि आपके अंदर उस कार्य को करने के लिए बल की कमी है, आप नहीं लगा सकते, तो आप कह दोगे कि मुझे कार्य करना असंभव है, मेरे लिए मैं नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जनरली आप कह सकते हो कि कार्य का संबंध कहीं ना कहीं बल से है। तो दोस्तों, कार्य की जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, कार्य की डेफिनेशन है कि किसी वस्तु पर, हम गति के बेस पर कार्य की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि किसी वस्तु पर आपने कोई बल लगाया, माना कि एफ, ये कोई बल लगाया, और बल के बाद जैसे ही आपने किसी वस्तु पर बल लगाया, उस वस्तु में कोई विस्थापन हुआ, उस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट हो गया, वे अपने प्रारंभिक स्थिति से खिसक गई, या तो आगे हो गई या पीछे हो गई, उसने विस्थापन लिया। तो दोस्तों, बल एवं विस्थापन का जो अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। दोस्तों, बल भी एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, और दो सदिशों के मध्य दो प्रकार के गुणनफल हम मल्टीप्लीकेशन हम पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम अदिश गुणनफल कहते हैं, और दूसरा पढ़ते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम सदिश गुणनफल कहते हैं। तो दोस्तों, अच्छे से सुनिएगा, किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल लगाने पर वस्तु में जो विस्थापन उत्पन्न हुआ, उन दोनों के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो कार्य की डेफिनेशन क्या बनी, कार्य की डेफिनेशन बनी किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं उत्पन्न विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। दोस्तों, यानी कि कार्य की प्राप्ति हमें कैसे होती है, W बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर। दोस्तों, डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल। तो हमने कार्य की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ी कि कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल और उस वस्तु में उत्पन्न हुए विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है, W बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर। सबसे पहले दोस्तों, हम इसके मात्रक की और इसके विमीय सूत्र की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप देखोगे कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन का अदिश गुणनफल, देखिए W बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर। दोस्तों, अदिश गुणनफल का जब साइन हटाया जाता है तो इसकी जगह पर cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो W बराबर F D cos थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आया। थीटा क्या है दोस्तों, यहां पर थीटा है बल एवं विस्थापन के मध्य बना कोण, यानी जिधर जिस दिशा से हमने बल आरोपित किया है और जिस दिशा में विस्थापन हुआ, उन दोनों के मध्य जो कोण होता है उसको हम थीटा कह सकते हैं। दोस्तों, कार्य का मात्रक निकालें तो
तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर में कार्य को एम के एस पद्धति में, हम एम के एस पद्धति पढ़ रहे हैं, एम के एस पद्धति में कार्य का मात्रक लिख दिया जाता है जूल। न्यूटन इंटू मीटर को ही एम के एस पद्धति में क्या कहते थे दोस्तों, जूल। और यदि सी जी एस पद्धति में पढ़ने के लिए निकलें तो सी जी एस पद्धति में लिखा जाता है अर्घ, और एक जूल बराबर होता है 10^7 अर्घ। ये स्पेशली रिजल्ट हमारे सामने है, 1 जूल = 10^7 अर्घ और 1 अर्घ = 10^-7 जूल। तो दोस्तों अच्छे से समझिए कार्य क्या है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल का साइन हटाते कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, थीटा क्या है बल और विस्थापन के मध्य कोण है, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, न्यूटन इंटू मीटर को एम के एस पद्धति में जूल कह दिया और सी जी एस पद्धति में हमने अर्घ कह दिया, 1 जूल = 10^7 अर्घ और 1 अर्घ = 10^-7 जूल। अब दोस्तों हम थोड़ा चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों मान लो सी जी एस पद्धति एम के एस पद्धति के बाद एक और पद्धति हम एफ पी एस पढ़ते हैं, तो दोस्तों मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि एफ पी एस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, तो दोस्तों एफ पी एस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो होता है पाउंडल और दूरी का या विस्थापन का मात्रक होता है फुट, तो आप लिख सकते हो फुट पाउंडल। तो आपसे और भी आगे बढ़कर पूछा जाए कि एफ पी एस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, तो आपका आंसर रहेगा फुट पाउंडल। तो ये रही बात मात्रक की। अब दोस्तों विमीय सूत्र बनाने के लिए निकलते हैं, विमीय सूत्र कार्य का जो विमीय सूत्र लिखोगे तो बल का लिखोगे m1 L1 t-2 और विस्थापन का लिखोगे L1 L1 के साथ जुड़ेगा m1 L2 t-2। तो दोस्तों एक कार्य का विमीय सूत्र बना, और जब थोड़ा सा आप पिछली क्लासेस पे गौर करके निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि कार्य का जो विमीय सूत्र और मात्रक है वह बल आघूर्ण के समान है। हमने बल आघूर्ण भी पढ़ा था, बल आघूर्ण भी था बल एवं क्रिया रेखा की लंबाई, ये बल आघूर्ण था, और कार्य है बल इंटू विस्थापन। तो दोस्तों आप गौर करोगे बल तो दोनों तरफ सेम है, विस्थापन भी एक लेंथ है और दूरी भी एक लेंथ है, क्रिया रेखा की लंबाई भी एक लेंथ है। तो आपको पूछ लिया जाए कि कार्य का मात्रक एवं विमीय सूत्र किस भौतिक राशि से मिलते हैं, तो दोस्तों बल आघूर्ण से। स्पेशली आपको याद रखना है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक एवं विमीय सूत्र समान है, तो कार्य और बल आघूर्ण एग्जाम्पल्स रहे, चाल और वेग भी हैं, दूरी और विस्थापन भी हैं, और भी कई सारी राशियां ऐसी हमें प्राप्त होंगी जिनके मात्रक और विमीय सूत्र आपस में क्या रहेंगे, समान रहेंगे। अब थोड़ा और कार्य को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों कार्य जो होता है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब किन किन दशाओं में कार्य धनात्मक होगा, किन किन दशाओं में कार्य ऋणात्मक होगा और किन किन दशाओं में कार्य शून्य होगा, उसकी चर्चा अभी मैं आपके सामने करता हूं। देखिए दोस्तों जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि कितने कोण पर बल एवं विस्थापन के मध्य कितने डिग्री का कोण हो कि कार्य शून्य हो जाए, तो दोस्तों हम देखेंगे कि कॉस थीटा का मान जीरो कब प्राप्त होता है। दोस्तों कॉस थीटा का मान जीरो प्राप्त होता है 90 डिग्री पर, यानी कि बल और विस्थापन के मध्य यदि समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, तो किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है एक कुली, ये कुली है और ये कुली ने सर पर कोई बोझा रखा हुआ है, ऐसे इसको हाथ से पकड़ा हुआ है, बोझा रखा हुआ है और ये कुली क्षैतिज दिशा में चला जा रहा है, बोझा रखा हुआ है इधर और चले जा रहा है क्षैतिज दिशा में, तो इस कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों आप देखोगे बल जो है एफ वो कार्य कर रहा है यहाँ, और विस्थापन डी जो हो रहा है वो हो रहा है इधर, आप दोनों के मध्य कोण देखेंगे, ये 90 डिग्री फील होगा आपको, तो 90 डिग्री जब मिलेगा तो कॉस 90 का मान जीरो होता है, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि एक कुली सर पर बोझा रखकर क्षैतिज दिशा में चला जा रहा है, बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो दोस्तों उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। इसके अलावा पूछा जाता है एक व्यक्ति सुबह से शाम तक दीवार को खिसकाने का असफल प्रयास कर रहा है, यानी एक व्यक्ति ने सुबह से शाम तक पेशीय बल लगाया, खूब बल लगाया, लेकिन दीवार में व्यवस्थापन उत्पन्न नहीं करवा सका, यानी कि असफल प्रयास किया उसने, तो बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया। तो दोस्तों जब विस्थापन का मान जीरो है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य। तो दूसरा शून्य होने की कंडीशन रही कि यदि विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा।
तीसरी शर्त, वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था वृत्तीय पथ पर जब कोई पिंड गति करता है तो उस पर दो बल कार्यरत होते हैं, एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है अपकेंद्रीय बल। दोनों की दिशा विपरीत होती है, मान बराबर होता है, तो परिणामी बल जीरो हो जाता है। तो दोस्तों W बराबर एफ डी कॉस थीटा, यहां से हमने सूत्र प्राप्त किया। तो दोस्तों बल और विस्थापन के मध्य थीटा 90 होता है तो कार्य क्या होता है दोस्तों, जीरो हो जाता है। अच्छा दूसरी बात, यदि डी जीरो होता है, विस्थापन जीरो होता है तो भी कार्य क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और यदि बल जीरो हो जाता है तो भी कार्य क्या हो जाता है, जीरो। तो दोस्तों विस्थापन शून्य कब हुआ, जब हम दीवार को खिसकाने का सुबह से शाम तक सफल प्रयास कर रहे हैं। थीटा 90 डिग्री कब हुआ, जब एक कुली सर पर बोझा रखकर क्षैतिज दिशा में चला जा रहा है। और कार्य कब शून्य हुआ और बल के द्वारा शून्य कब हुआ, जब एक पिंड वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, परिणामी बल शून्य हो जाता है, किया गया कार्य अभी भी शून्य है। अब दोस्तों किया गया ऋणात्मक कार्य कब प्राप्त होता है, माना जैसे कि थीटा दोनों के मध्य 180 डिग्री का है। तो दोस्तों कॉस 180 का जो मान प्राप्त होता है वो आपको ऋणात्मक प्राप्त होगा, नेगेटिव प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। दोस्तों तो आपसे पूछा जाए कि यदि बल और विस्थापन के मध्य 180 डिग्री का कोण हो तो इस दशा में जो कार्य है दोस्तों वो कैसा प्राप्त होगा हमें, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक प्राप्त होगा, ऋणात्मक। लेकिन यदि थीटा 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री के मध्य है, यानी 90 डिग्री से कम है, 0 से ज्यादा है 90 से कम है, तो ऐसी कंडीशन में कार्य क्या होगा दोस्तों, धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों कॉस थीटा में 0 से लेकर 90 तक जो कार्य होता है वह धनात्मक, जो सॉरी कॉस थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से पहले पहले तक, 90 भी नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि 90 पर कॉस थीटा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 90 से पहले पहले तक 45 ले लें, 60 ले लें, 75 ले लें, तो उससे पहले पहले तक जो कार्य है सॉरी जो थीटा का मान है वह धनात्मक रहता है, धनात्मक रहता है, तो कार्य भी क्या रहेगा दोस्तों, धनात्मक रहेगा। अब थोड़ा सा और आगे बात को बढ़ाते हैं हम लोग। कार्य के बारे में हमने पढ़ा कि जो कार्य है वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही प्रकार का हो सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कार्य एक अदिश राशि है, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि कार्य एक अदिश राशि है जो कि दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। वो दोनों सदिश राशियां कौन कौन सी है, एक बल है और दूसरा विस्थापन है। अब चलिए दोस्तों बात को और आगे बढ़ाते हैं और कार्य को आगे ले जाता हूं मैं ऊर्जा की ओर। देखिए दोस्तों एनर्जी, ऊर्जा, बोला जाता है कि कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जब हम कोई कार्य करते हैं हम कितना कार्य कर सकते हैं वही हमारी ऊर्जा कहलाती है। यदि हम ज़्यादा कार्य कर सकते हैं तो हमारी ऊर्जा ज़्यादा है, यदि हम कम कार्य कर सकते हैं तो हमारी ऊर्जा कम है। यानी हम जितनी क्षमता से जितनी निपुणता के साथ हम कार्य कर सकते हैं उतनी ही हमारी ऊर्जा मानी जाती है। तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। आप देखेंगे कि कार्य और ऊर्जा दोनों जनरली एक दूसरे के समतुल्य राशियां हैं, तो ऊर्जा का मात्रक और विमीय सूत्र दोनों कार्य के समान ही होते हैं। यानी ऊर्जा और कार्य के मात्रक और विमीय सूत्र आप दोनों समान पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, मैंने शुरुआत में आपको जब पहला वीडियो लेक्चर हमारा था तो मैंने बोला था कि प्रकृति में दो प्रकार के घटक हैं, एक है द्रव्य जो दिखाई देता है और दूसरा है ऊर्जा जो दिखाई नहीं देता। दोस्तों मैंने तब चर्चा की थी कि ऊर्जा तो दिखाई नहीं देती लेकिन ऊर्जा का प्रभाव दिखाई देता है कार्य के रूप में। यानी कार्य है क्या, कार्य दोस्तों ऊर्जा का दृश्य रूप है, ऊर्जा को व्यक्त करने का माध्यम है कार्य। हम कार्य के द्वारा ये लोगों को दिखाते हैं, कार्य के द्वारा हम प्रूव करते हैं कि एनर्जी है। दोस्तों कार्य किया जा रहा है मतलब एनर्जी है, कार्य नहीं कर सकते मतलब एनर्जी नहीं है। मैं आपके सामने बोल रहा हूं इसका आपके पास आपको प्रमाण मिलेगा कि मुझ में कोई ऊर्जा है। यदि मैं आपके सामने नहीं बोल पाता इससे साबित होता कि मुझ में ऊर्जा नहीं है क्योंकि कार्य नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जनरली ऊर्जा जो है उस ऊर्जा अदृश्य है और ऊर्जा का वह रूप जो दृश्य हो, जो दिखाई देता हो, जो व्यक्त होता हो वह है दोस्तों कार्य। अब हमने बात की कि ऊर्जा का मात्रक, तो दोस्तों ऊर्जा का मात्रक हम कार्य के समान जूल भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों ऊर्जा के अन्य मात्रक की बात करें, कैलोरी, ऊर्जा का दूसरा मात्रक है कैलोरी। और यह ध्यान रखना है एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल, आप राउंड फिगर में लिख सकते हो 4.2 जूल। और रीट एग्जाम में क्वेश्चन उन्होंने उल्टा दे दिया, एक जूल बराबर कितने कैलोरी, एक जूल बराबर 1.1 अपॉन 4.2 कैलोरी।
तो दोस्तों ये रिजल्ट ध्यान रखना है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको याद रहता है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल है या फिर 4.186 जूल, लेकिन जब वो जूल पूछ लेता है कि 1 जूल में कितने कैलोरी, तो आपको नीचे इन्वर्स ले जाना पड़ेगा, 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। इसके अलावा दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि घरों में जो बिजली की यूनिट दर्शाई जाती है वह क्या है, तो ऑप्शन दिया जाता है वह विद्युत धारा है, वह विद्युत शक्ति है, वह विद्युत ऊर्जा है या विद्युत वोल्टता है। तो दोस्तों आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि वह ऊर्जा की मात्रा है, वह जो खपत हुई है वह ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की मात्रा है। और दोस्तों उसका जो मात्रक है उसको हम, ये मात्रक हमने जूल लिखा, दूसरा हमने कैलोरी लिखा, और तीसरा मैं आपके सामने लिख रहा हूं बिजली की यूनिट, और बिजली की यूनिट बराबर होती है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा को इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं KWH। कई बार क्या होता है किलोवाट घंटा नहीं आता, वाट घंटे आ जाता है, तो भी आप ध्यान रखेंगे ये भी ऊर्जा का एक मात्रक है। किलो का मतलब केवल ये होता है कि 10^3 है, वहां पर हजार, हजार जब वाट हो जाते हैं, 1000 वाट घंटे हो जाते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा बन जाता है। तो दोस्तों वाट घंटे आ जाए चाहे किलोवाट घंटे आ जाए, हम उसे ऊर्जा का मात्रक समझ सकते हैं। तो पहला मात्रक जूल पड़ा, दूसरा मात्रक कैलोरी पड़ा, तीसरा मात्रक जो मैं आपको बता रहा हूं वो है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 किलो जूल, 3600 किलो जूल, यानी 1 किलोवाट घंटे में 3600 किलो जूल होते हैं। अब थोड़ा सा इसको इलोंगेट करते हैं, तो पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि ऊर्जा के मात्रक में पहला था जूल, दूसरा है कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल यानी कि 4.2 जूल, और 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। इसके बाद हमने बिजली की यूनिट के बारे में पढ़ा, बिजली की एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 किलो जूल। अब थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 किलो जूल, यहां तक हमारी बात हुई। अब देखिए किलो के स्थान पर हम 1000 लिख सकते हैं, 3600 × 1000 जूल। दोस्तों 3 जीरो ये हो चुकी, 2 जीरो ये हो चुकी, तो 36 × 10^5 जूल, ये भी दोस्तों 1 किलोवाट घंटे के बराबर मान है सारे, 1 किलोवाट घंटा। अब दोस्तों हम क्या करें, हम यदि एक यहां पर पॉइंट लगा दें और 1 10 निकाल कर इससे गुणा कर दें, तो 3.6 × 10^6 जूल, और दोस्तों 10^6 को, 10^6 को हम मेगा के नाम से लिख सकते हैं, तो 1 kWh बराबर 3.6 मेगा जूल। तो दोस्तों पेपर में कुछ भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, और ये भी दिया जा सकता है। तो बिजली की एक यूनिट बराबर 3600 किलो जूल, या 36 × 10^5 जूल, या 3.6 मेगा जूल, कुछ भी पेपर में आपको दिया जा सकता है। अब दोस्तों हम ऊर्जा के स्वरूपों की बात करें कि ऊर्जा के कौन कौन से स्वरूप हैं। तो दोस्तों ऊर्जा कई प्रकार की हो सकती है, सिंपली बात करें जैसे कि बात की नंबर ए पे हम यांत्रिक ऊर्जा लिखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। दूसरी बी की बात करें जो हमारे शरीर में मौजूद होती है हमारी पेशियों में, उसे दोस्तों पेशीय ऊर्जा कहते हैं। हमारे शरीर में जो ताकत के रूप में, हमारी पावर के रूप में जो पाई जाती है, उसे हम पेशीय ऊर्जा कहते हैं। तीसरा दोस्तों प्रकाशीय ऊर्जा, जो कि हमें सूर्य से, बल्ब वगैरह से प्राप्त होती है प्रकाशीय ऊर्जा। वस्तुओं को गर्म या ठंडे करने के लिए जो ऊर्जा पाई जाती है उसे हम ऊष्मीय या तापीय ऊर्जा कहते हैं, ये भी ऊर्जा का प्रकार है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद हम बात करें केमिकल्स में जो ऊर्जा पाई जाती है हम उसे रासायनिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अणु परमाणुओं में, नाभिकों में जो ऊर्जा पाई जाती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ऊर्जा के कई सारे प्रकार हैं, यांत्रिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, और हम लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा। दोस्तों कई प्रकार के ऊर्जा के प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को लेकर। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इनकी हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक तो गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वह यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। अब हमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार हैं, एक है गतिज ऊर्जा, दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम शॉर्ट में के ई काइनेटिक एनर्जी भी लिखते हैं, स्थितिज ऊर्जा को पी लिखते हैं। कई जगह गतिज ऊर्जा को के ई से लिख दिया जाता है और स्थितिज ऊर्जा को हम कई बार यू भी लिख देते हैं दोस्तों, यू से भी इसको शो कर दिया जाता है। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, गतिज ऊर्जा जो होती है प्रत्येक गतिशील पिंड में, प्रत्येक गतिशील पिंड, एग्जाम्पल ही इसका यही है, प्रत्येक गतिशील पिंड में जो ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई भी पिंड यदि गति कर रहा है तो 101% नो डाउट उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। कोई भी पिंड दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो और वह गति कर रहा है, ऐसा कोई भी पिंड नहीं होगा। प्रत्येक गतिशील पिंड में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या है, तो कोई भी पिंड गति कर रहा हो उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। और गतिज ऊर्जा को हम ज्ञात करते हैं के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। एम क्या है दोस्तों, पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान, और वी है पिंड का वेग। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि गतिज ऊर्जा का द्रव्यमान के साथ समानुपाती का रिश्ता है, वेग के साथ भी समानुपाती का रिश्ता है, लेकिन वेग के वर्ग के रूप में है। अब इन संबंधों का हम आगे प्रयोग करने वाले हैं, कई बार क्वेश्चंस जैसे पूछ जाते हैं उनकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। तो दोस्तों, गतिज ऊर्जा जो होती है प्रत्येक गतिशील पिंड में पाई जाने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और गतिज ऊर्जा के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब दोस्तों, मैंने आपको एक राशि पढ़ाई थी पी बराबर एम इंटू वी। दोस्तों, आप याद करेंगे संवेग है। अब हम गतिज ऊर्जा को संवेग के पदों में ज्ञात करें तो दोस्तों, आप देखोगे के ई बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब दोस्तों, यदि मैं इस एम वी स्क्वायर को ऊपर एम से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी एम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देखोगे के ई बराबर प्राप्त हुआ हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। दोस्तों, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आप गौर कर सकते हो, एम इंटू वी बराबर होता है पी। तो मैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो एक और रिलेशन मेरे पास आया, के ई बराबर हाफ पी स्क्वायर बटा एम। तो दोस्तों, आप कह सकते हो ये एक को यहां से हटा सकते हो, तो आप देख सकते हो के ई बराबर पी स्क्वायर बटा टू एम। पी क्या है यहां पर, संवेग है, और एम है पिंड का द्रव्यमान। तो कई बार क्वेश्चन संवेग के पदों में भी पूछ लिया जाता है, वो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको अपने को कैसे सॉल्व करना है, इसकी चर्चा मैं करूंगा आपसे। अब फिर मैं बात कर रहा हूं स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। अब दोस्तों, आप कहोगे कि गतिज ऊर्जा धनात्मक क्यों है, वेग तो ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन आप गौर करोगे कि वेग का स्क्वायर है यहां पर, और धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या हो, उसका जो वर्ग होता है वो धनात्मक होता है। इसका मतलब यह है कि गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी संभव है। अब दोस्तों, कैसे धनात्मक होती है, कैसे ऋणात्मक होती है, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये चर्चा करें कि स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो दोस्तों, आप कह सकते हो स्थिति में परिवर्तन के कारण जन्मी हुई ऊर्जा, यानी किसी पिंड को एक माध्य स्थिति से आपने ऊपर या नीचे ले लाके रख दिया, तो दोस्तों आपने स्थिति में जो परिवर्तन किया उसके कारण जो ऊर्जा उस पिंड में पाई जा रही है उस ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल क्या है, तो दोस्तों बांध का पानी, बांध में आपने एक निश्चित ऊंचाई पर एक पानी को जमा करके रखा, तो दोस्तों बांध के पानी में जो ऊर्जा पाई जाती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, चाप खींचा गया धनुष, किसी धनुष को आपने चाप खींचकर छोड़ दिया ऐसे, तो दोस्तों इसमें कौन सी ऊर्जा है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि आपने जो चाप था उसको एक माध्य स्थिति से आप दूर लेकर गए। दोस्तों, कोई झूला है, झूला बीच में ऐसे लटका हुआ होता है, आपने उस झूले को बीच से पकड़कर एक जगह ऐसे ले जाके रख दिया, तो दोस्तों अब आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी ऊर्जा है, तो दोस्तों एक और खींचा गया झूला, इसमें भी कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। चाबी भरी हुई अलार्म घड़ी, किसी अलार्म घड़ी में हम चाबी भर देते हैं, तो दोस्तों इसमें भी कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। चाबी भरी हुई जो अलार्म घड़ी है, आपने चाबी भर दी, तो जो स्प्रिंग है आपने उसको एक निश्चित माध्य अवस्था से कोई विस्थापन दे दिया, और विस्थापन दे दिया तो दोस्तों आपने कौन सी ऊर्जा प्रदान कर दी, स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई या गहराई में रखी वस्तु, यदि कोई वस्तु ऊंचाई या गहराई पर रखी है तो आप उससे पूछा जाए उसमें कौन सी ऊर्जा है, तो दोस्तों आप बोलोगे उसमें स्थितिज ऊर्जा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ऊंचाई पर रखी हो चाहे गहराई पर रखी हो, हमने माध्य स्थिति से उसमें विस्थापन दिया है, और विस्थापन दिया माध्य स्थिति से तो इसकी स्थिति में परिवर्तन किया, और स्थिति में परिवर्तन किया तो स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो दोस्तों, बांध का पानी, चाप खींचा गया धनुष, एक और खींचा गया झूला,
अच्छा, खींची या दबाई गई स्प्रिंग, किसी स्प्रिंग को आपने खींच लिया हो या दबा दिया हो, दोनों ही कंडीशंस में आपने एक माध्य स्थिति से या तो कम किया या ज्यादा किया, स्थिति में परिवर्तन किया, और स्थिति में परिवर्तन करते ही कौन सी ऊर्जा पैदा हो गई दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, प्रत्येक गतिशील पिंड में पाई जाने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन करने पर जो ऊर्जा पैदा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब दोस्तों यदि आपने किसी पिंड की स्थिति में भी परिवर्तन किया है और साथ ही साथ में गतिशील भी है, तो उसमें गतिज और स्थितिज दोनों ही ऊर्जाएं पाई जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी कार में बैठा हुआ है दोस्तों, आरआरबी रांची में आया हुआ है क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति किसी गतिशील कार में बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति किसी चलते हुए एरोप्लेन में बैठा है, बताइए उसमें कौन कौन सी ऊर्जाएं होंगी। दोस्तों उसमें स्थितिज और गतिज दोनों ही ऊर्जाएं निहित होंगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम एक माध्य स्थिति से उनमें विस्थापन भी करा रहे हैं, तो स्थिति में परिवर्तन किया है और वह पिंड गति भी कर रहा है, तो उस वजह से गतिज ऊर्जा भी है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा आगे और बात को बढ़ाएं कि स्थितिज ऊर्जा की गणना कैसे की जाए। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा की जो गतिज ऊर्जा का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा कि के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर या हाफ पी स्क्वायर बाई एम, ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े, एक संवेग के रूप में था और एक द्रव्यमान तथा वेग के रूप में था। अब देखिए दोस्तों के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला था, दूसरा के बराबर हाफ पी स्क्वायर बटा एम, दो फॉर्मूले हमने पढ़े गतिज ऊर्जा के, और स्थितिज ऊर्जा पी बराबर एम जी एच। दोस्तों एम है द्रव्यमान, जी है गुरुत्वीय त्वरण, और एच है दोस्तों ऊंचाई। ऊंचाई भी हो सकती है, गहराई भी हो सकती है। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का मान ऊंचाई पर निर्भर करता है, कोई पिंड जितना ज्यादा ऊंचाई पर रखा होगा वहां पर उसमें उतनी स्थितिज ऊर्जा पाई जाएगी। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि किसी गतिशील कार का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों वेग दोगुना कर दिया गया है, स्क्वायर में रिश्ता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्ती दुश्मनी के रिश्ते के बारे में, इनका रिश्ता समानुपाती का है और घात स्क्वायर में है। तो दोस्तों यदि वेग को दोगुना करोगे तो दोस्तों पहले दो का स्क्वायर करिए चार, गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी, चार गुना। आपसे फिर पूछा जाए कि वेग को आधा कर दिया जाए तो आधा करेंगे तो ये एक बटा चार होगा, और एक बटा चार होते ही गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, एक बटा चार। तो दोस्तों आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कई बार संवेग के साथ भी पूछ लिया जाता है, तो संवेग के साथ भी रिश्ता स्क्वायर का है कि किसी गतिशील वस्तु का संवेग आधा कर दिया जाए। दोस्तों जैसे ही आधा करोगे यहाँ एक बटा चार होगा, क्योंकि स्क्वायर में और एक बटा चार होते ही गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, एक बटा चार। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जाए किसी गतिशील पिंड का वेग नियत है तो बताइए द्रव्यमान के साथ कैसा रिश्ता हो गया गतिज ऊर्जा का, समानुपाती। लेकिन यदि किसी गतिशील वस्तु का संवेग नियत है तो द्रव्यमान के साथ रिश्ता कैसा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। तो दोस्तों ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थोड़ा हमें डाउट है, देखना पड़ता है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि किसी पिंड की आपसे पूछ लिया जाए कि किसी पिंड का जो द्रव्यमान है 20 के ग्रह है और उसका जो वेग है वह 50 मीटर प्रति सेकंड, क्लियर। अब दोस्तों इसकी गतिज ऊर्जा की बात कर जा रही है, अब आपसे डायरेक्ट दिया किसी पिंड का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, वेग 50 मीटर पर सेकंड है। यदि वेग 25 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए तो इस अवस्था में गतिज ऊर्जा की गणना करिए। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका है कि यदि आपको वेग दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है, तो आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ये आप फॉर्मूला लगाइए, आपका क्वेश्चन आपके सामने है। लेकिन यदि आपसे प्रतिशत परिवर्तन की बात कर ले कि पहले की तुलना में गतिज ऊर्जा में कितने का परिवर्तन हुआ है, तो सिंपली आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। पहले का आप एक तो तरीका ये है कि पहले एम इंटू वी से पहले की गतिज ऊर्जा निकालिए, फिर m इंटू वी से आप नई गतिज ऊर्जा निकालिए, तो दो गतिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर आप प्रतिशत परिवर्तन ढूंढिए। इससे अच्छा है आपको यह ध्यान रखना है कि वेग को क्या किया गया है, आधा, 50 से क्या कर दिया है 25, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब इसको आधा किया है, तो टोटल स्क्वायर करेंगे तो एक बटा चार होगा, यानी गतिज ऊर्जा कितनी हुई है, एक बटा चार, और गतिज ऊर्जा एक बटा चार हुई है, मतलब कितने का परिवर्तन आ गया, 75% का, यानी पहले एक थी उसकी जगह पर 0.25 रह गई, यानी पहले एक थी अब एक बटा चार रह गई, एक बटा चार रह गई, तो दोस्तों 75% की क्या आ गई, कमी आ गई। तो ऐसे कई क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो सेशन है वह हमारा
आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध और ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में। दोस्तों आपने ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां पर इसके बनते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम दोस्तों लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है। दोस्तों कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं हम, ना हम नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का केवल रूप परिवर्तन होता है, ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब एनर्जी को किस प्रकार से, कौन कौन से उपकरण एनर्जी को किस रूप से किस रूप में बदलते हैं, और आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में क्या कहा, और उसके बाद शक्ति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने दोस्तों लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा साथियों, वीडियोस को देखते रहिए, प्यार देते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, आपको एक से एक कंटेंट जो टॉप एंड डीप डिटेल्ड कंटेंट मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, और कुछ दिन में प्रैक्टिस सेट भी आपके सामने लेकर मैं लाइव हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, अलविदा।